I welcome you all at ASTA Defense Academy. देखिए जो इंडियन डिफेंस सर्विसेज की जो जॉब्स है वो काफी रिस्पेक्टेड जॉब है और जितनी ज्यादा ये रिस्पेक्टेड जॉब है जितनी अच्छी ये जॉब है और उतनी ही ज्यादा इनकी टफ प्रिपरेशन है और साथ ही साथ इनको जो क्रॉस करने का जो लेवल है वो भी बहुत ज्यादा है. तो अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करें इंडियन एयरफोर्स की ही बात करें तो सबसे पहले जो होता है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है और उसके बाद आपका होता है फिजिकल टेस्ट, देन आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है, देन आपका मेडिकल होता है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होता है. तो अगर हम देखें तो इन सर्विसेज में सिलेक्शन पाने के लिए आपको कई सारे लेवल जो है उनके लिए प्रिपरेशन करनी होगी. सिर्फ रिटन की प्रिपरेशन से आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल की प्रिपरेशन से आपका कुछ नहीं होगा, आपको सभी लेवल को क्रॉस करना होगा, सभी में रिक्वायर्ड जो मार्क्स चाहिए होते हैं वो लाने होंगे और तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा. सो स्टूडेंट, अगर आप इन सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इंडियन नेवी ज्वाइन करें या फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन करें या फिर आप एज एन ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स को सर्व करें, तो आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जहां पर आकर आप रहकर अपनी इन सभी सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं. बहुत ही अनोखे ढंग से हम स्टूडेंट को यहाँ पे गाइड करते हैं, इन सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कराते हैं और उन सभी लेवल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं जो कि सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है. सो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो हम स्टूडेंट को 7 to 8 आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, साथ ही में हम 2 आवर्स की स्पेशल फिजिकल ट्रेनिंग एक इंस्ट्रक्टर के साथ स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं. और अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो हम स्टूडेंट को मेडिकल के वो सारे पॉइंट्स भी बताते हैं जो कि उनको पहले से नहीं पता होते. सो स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि आपको असम में कोई बहुत ही अच्छी बेहतरीन एकेडमी मिले तो आप एक बार आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस जरूर विजिट करें और देखें कि किस तरीके से हम यहाँ पर स्टूडेंट को इन सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कराते हैं. सो थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.